नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुव्यापकम् ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुव्यापकम् ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाश महाकाश वासं भजेहम् चिदाकाश महाकाश वासं भजेहम् हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, ये दो लाइन रुद्राष्टकम के थे, गाने के लिहाज से नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं भाव के नजरिए से भी कितना मधुर है इसे गाना सुनना। दोस्तों, भगवान शंकर भक्तों की प्रार्थना से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और यही कारण है कि हम उन्हें आशुतोष कहते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि बेहद नज़दीक है और ऐसे में हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में आप किन किन चीज़ों का उपयोग कर उन्हें खुश कर सकते हैं, उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे हम सभी जानते हैं बाबा भोले भंडारी हैं, जिस पर ढल जाए उसकी झोली वो खुशियों से भर देते हैं। शिवलिंग पर अक्सर हम जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं और इससे ही बाबा भंडारी भोलेनाथ हमसे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी सामग्री है जिसे हमें इस शिवरात्रि शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के कई प्रकार की चीज़ों द्रव्यों से अगर अभिषेक किया जाता है, उनका अलग अलग फल हमें प्राप्त होता है। शिव पुराण में ऐसा वर्णित है, किस द्रव्य से अभिषेक करने से हमें क्या फल मिलता है। तो इस वीडियो में मैं बहुत विस्तार से आपको एक एक कर सभी चीज़ों की जानकारी देने जा रही हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस महाशिवरात्रि भोले भंडारी का अभिषेक आप भी अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसी तरह से उसी द्रव्य से ज़रूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाबा को अगर आप जल से अभिषेक कर दें, शीतलता जो जल की प्रदान होती है उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। पंचामृत स्नान, हम सभी भगवान शिव का शिवलिंग का पंचामृत स्नान शुभ मौकों पर कराते हैं। पंचामृत में आप 5 चीज़ें मिलाते हैं, लेकिन आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से जिसका महत्व अलग अलग है आप कर सकते हैं बाबा का अभिषेक। तो पहली चीज़ मैं बता रही हूँ, दही। दही से अगर आप बाबा का अभिषेक करते हैं तो जीवन में अगर आपको वाहन की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं गाड़ी आपके पास हो, आप चाहते हैं आपके पास घर हो, तो दोस्तों दही के अभिषेक से भगवान भोलेनाथ की कृपा से भवन और वाहन, मतलब मकान आप चाहते हैं और आप चाहते हैं गाड़ियां आपके घर में हो, आपके पास हो, उसकी प्राप्ति होती है। दूसरी वो चीज़, गन्ने का रस। भगवान को गन्ने का रस से आप अभिषेक करें महाशिवरात्रि के दिन, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। संतान सुख में दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की आपकी इच्छा है, तो आपको इस महाशिवरात्रि भोलेनाथ का अभिषेक गाय के दूध से करना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं और शांति जीवन में बनी रहती है, जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है।
चौथी वो चीज़ दोस्तों घी से। घी से अगर आप बाबा का अभिषेक करते हैं इससे वंश में विस्तार होता है, ऐसा माना जाता है, आपकी शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ने से यहाँ पर इस तरीके से लें कि आपके अगर पुत्र की प्राप्ति है, इच्छा है आपकी, आपका वंश इससे विस्तृत होता है, विस्तार होता है। बाबा का हम अगर शहद से अभिषेक करते हैं तो शहद से अभिषेक या रुद्राभिषेक हम करते हैं इस महाशिवरात्रि, तो ऐसा माना जाता है समस्त पाप आपने जीवन में जो किए हैं उसका नाश हो जाता है इस मात्र एक दिन के अभिषेक से। तो इस महाशिवरात्रि आप भी शहद से अभिषेक बाबा का कर सकते हैं। दोस्तों अब छठी वो चीज़ मैं आपको बता दूं, छठी वो चीज़ है सरसों के तेल से बाबा का अभिषेक। आपने सुना होगा ऐसा करने से आपके जो भी जीवन में शत्रु हैं शत्रुओं का नाश हो जाता है, आपके जो भी रोग हैं उन रोगों का नाश हो जाता है। तो आपको बाबा का अभिषेक सरसों के तेल से महाशिवरात्रि के दिन करना चाहिए अगर ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर ठंडी चीज़ें हमें अर्पित करनी चाहिए, इससे बाबा भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इस महाशिवरात्रि आप भी शिवलिंग पर कच्चे चावल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा चावल अर्पित करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है, तो इस महाशिवरात्रि आप भी ऐसा जरूर करें। दोस्तों अब वो आठवीं ऐसी चीज़ जो आपको भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन अर्पित करनी चाहिए वो है तिल। विशेष करके आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी अर्पित कर सकते हैं लेकिन विशेषकर काला तिल। काला तिल शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बुद्धि में हमेशा वृद्धि हो तो इस महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप दूध में मिश्री मिला करके करें। ऐसा करने से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है और इंसान अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वो बुद्धिमता पूर्ण करता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान को इत्र मिले जल से अभिषेक करने से ऐसा माना जाता है कि समस्त रोगों का नाश होता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ का इस शिवरात्रि आप शुद्ध शहद से अभिषेक करें। अभिषेक कर सकते हैं आप, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि आपकी वाणी में मधुरता होती है, पापों का क्षय होता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी वाणी इतनी मधुर हो कि सभी आपसे प्यार करें, तो इस महाशिवरात्रि भोलेनाथ का अभिषेक आप भी शहद से जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अब मैंने आपको 10 चीज़ें बताई है। वैसे तो हम एक लोटा जल लेकर ही अगर खड़े हैं भोलेनाथ के सामने वो आपके समस्त दुखों का नाश करते हैं, लेकिन अपनी इन विशेष मनोकामनाओं के लिए अगर इस शिवरात्रि पर आप इन वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपको उन सभी चीज़ों की, उन सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिवारों रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।